हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद पीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट चुना है। पीआई इंडस्ट्रीज वाज फाउंडेड इन 1946। द कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रोकेमिकल्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एग्रोकेमिकल्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स एंड हाइब्रिड सीड्स। दे आर पायनियर्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैन्युलर फॉर्मुलेशंस इन इंडिया एंड आर द लार्जेस्ट सेलर्स इन द सेगमेंट। They have scaled new heights by becoming the biggest producer of generic molecules. तो चलो देखते हैं PI Industries का chart। यहाँ पे आप देख सकते हो ये PI Industries का daily chart है। PI Industries ने मार्च 2020 में 974 का low बनाया। फिर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा rise आया, फिर वापस consolidation zone में से share चला गया और वापस दूसरा rise आया और वापस same consolidation zone यहाँ दिख रहा है। इस बार हमने stock को analysis करने के लिए Don Chien channel का इस्तेमाल किया है। इन दिस थियरी दिस ए ग्रीन लाइन और नीचे रेड लाइन होती है जो 20 डेज का हाई को फॉलो करती है और बीच में है जो एवरेज लाइन। तो जब भी 20 डेज का हाई क्रॉस होता है तब ये थोड़ा इसमें मूव आता है। तो इस बार ए फ्राइडे को स्टॉक ने 20 डेज का हाई क्रॉस किया, 2109 का नया हाई बनाया और ये तो अगला दो जो हाई है उसके ऊपर बंद दे दिया और पूरा ये रेंज के ऊपर बंद दे दिया है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने दूसरे तीन इंडिकेटर यूज किए। एक है परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो स्टॉक को बेंचमार्क से कंपेयर करके उसको कैसा ट्रेंड में है वो पता करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीब करीब वो बेंचमार्क के साथ ही चल रहा है। दूसरा है एवरेज टू रेंज जो स्टॉक में वॉलेटिलिटी को कैसा इफेक्ट है वो दिखाता है। तो इस बार ये एकदम नीचे लो में है और इसमें पॉसिबल है कि अच्छा खासा वॉलेटिलिटी आ सकता है। और तीसरा है अरुण अप एंड डाउन इंडिकेटर जिसमें एक अरुण अप ग्रीन लाइन है और अरुण डाउन रेड लाइन है। अगर ये अरुण ग्रीन लाइन अप जोन में रहती है और वो सेम टाइम पे अगर रेड जोन में है अरुण डाउन लाइन रहती है स्टॉक में अप ट्रेंड होता है। ये स्टॉक का 200 DMA भी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो ये सब रीजन देखते हुए हमें लगता है जो पीआई इंडस्ट्रीज जिसका करंट मार्केट प्राइस 2090 है उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2400, 2600 और 2800 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2000, 1900, 1825, 1750 और 1700। और ये स्टॉक में आपको 1660 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। थैंक यू। Investment in securities market is subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. V Ventura Securities Limited, its analysts and associates, with regard to the video, hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in the securities of the company. We do not have any directorship or other material relationships with the company. We do not have any personal interest in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment, disinvestment, decision made on the basis of this video.